बिग बॉस 14 में आज हो रहे नॉमिनेशन टास्क में जहां सभी कंटेस्टेंट्स अपने अपने सीक्रेट्स रिवील करते हैं, जहां रूबीना के बारे आने पे वे अपने होने वाले डिवोर्स के बारे में बात करती हैं, और वहीं ये टास्क खत्म होने के बाद वे अभिनव के साथ गार्डन एरिया में लंबे समय तक बैठ के डिस्कशन करती हैं, जहां रूबीना कहती है कि सबने अपने अपने डार्क सीक्रेट्स बताए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे कंटेस्टेंट्स उसको डाइसेक्ट करके अपनी तरफ से टिप्पणियां दें। वहीं अभिनव रूबीना को टोकते हुए कहते हैं कि आई डिसएग्री विद यू, ये शो पूरा ही बोलने के बारे में है, हर किसी बात पे आप कैसे अपने विचार व्यक्त करते हैं ऐसा ही है इस शो में। दूसरी तरफ गार्डन एरिया में एजाज खान भी अपना सीक्रेट बताने के बाद काफी लंबे समय तक अकेले बैठे रहेंगे। ठीक उसी वक्त गार्डन एरिया के दूसरे हिस्से में राहुल अली और जैस्मिन भी बैठे होते हैं, जो इम्यूनिटी स्टोन ना मिलने पे और नॉमिनेट हो जाने पे अपना दुख व्यक्त करते हैं। वहीं अली और राहुल बिग बॉस पे ताने कसते हुए कहेंगे कि अगर हमको ऐसे ही नॉमिनेट करके इतनी जल्दी घर से बाहर भेजना था तो बुलाया ही क्यों? ऐसे ही कोई अचानक से फिनाले थोड़ी अनाउंस करता है। राहुल भी कहेंगे कि पहले पता होता तो हम दोनों एक दूसरे से ही पूरे सीजन में झगड़ते रहते। अली भी कहेंगे कि ऐसा होता तो एक दूसरे का सर फोड़ देते, कम से कम एक ही जाता है मुख्य द्वार से बाहर। व्यूअर्स आपको बता दें कि जब बिग बॉस सभी कंटेस्टेंट से पूछेंगे कि किसका सीक्रेट सबसे बड़ा था जिसे इम्यूनिटी स्टोन मिलना चाहिए, वहीं सभी कंटेस्टेंट्स रोने लगते हैं। वहीं अनाउंसमेंट खत्म होते ही बाहर जाके राहुल भी रोएंगे। कुछ देर बाद जैस्मिन नजर आएगी कैमरा से पूछते हुए कि क्या सच में फिनाले नेक्स्ट वीक है, बाहर सब कुछ ठीक तो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? सीक्रेट रिवील करने वाला नॉमिनेशन टास्क खत्म होने के बाद सभी घर वाले काफी देर रात तक गार्डन एरिया में अकेले गुमसुम से बैठे नजर आए। ये बात सिर्फ दूसरों के सीक्रेट और अपने सीक्रेट रिवील करने की नहीं थी, यहाँ सभी कंटेस्टेंट्स इस असमंजस में थे कि अब हम नॉमिनेट हो गए हैं, कभी भी घर से बेघर हो सकते हैं, जिसमें नेक्स्ट वीक फिनाले में सिर्फ 4 जने ही पहुँचेंगे। इसी चिंता में रात खत्म होने के बाद सुबह होते ही सभी कंटेस्टेंट्स ने नए तरीकों से मॉर्निंग डांस करके दिन की शुरुआत की, जहां एक तरफ एजाज के अलावा बाकी सभी घर वाले अपना सामान बांध के बैगों में पैक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सभी कंटेस्टेंट्स ने अपने बेस्ट कपड़े निकाल के पहनना शुरू कर दिया। व्यूअर्स आपको बता दें कि रूबीना के डिवोर्स वाले सीक्रेट रिवील करने के बाद अभिनव और रूबीना के बीच सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल है। वहीं आज हो गई है नए कैप्टनसी टास्क की अनाउंसमेंट, जिसके बाद सभी घर वाले एक दूसरे से डिस्कस करने में बिजी हैं। तो व्यूअर्स, आप किसे अगला कैप्टन बनते देखना चाहते हैं? प्लीज कमेंट योर व्यूज़।